गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। ये जो टॉपिक है वो हमारी फर्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। इस टॉपिक के अंदर इसने कहा है कि कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में अगर मैं एक कंडक्टिंग स्लैब को रिप्लेस्ड कर देता हूँ तो फिर कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसने कहा है कि जो कंडक्टिंग स्लैब है, ये हमने कंडक्टिंग स्लैब है, डियर स्टूडेंट मैं पहले ही आपको बता के चल रहा हूँ कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है क्योंकि उसका जो चार्ज होता है वो ऑन द सरफेस होता है। ये बात ध्यान रख लीजिए क्योंकि हम ये बात है कम से कम 3 और 4 times पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें कहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया ए है और दोनों प्लेट के सेपरेशन के डिस्टेंस डी हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वैक्यूम में या फिर एयर में वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर मैं मीडियम की बात करता हूँ तो फिर के लग जाएगा यहाँ पे, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो कि पहले भी बता चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्लैब थी, मैंने ये कैपेसिटर प्लेट है जिस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन दिखा रखी है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये नीचे की तरफ जो एरो आ रही है ई नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लेट्स पर लगी हुई है पॉजिटिव टू नेगेटिव लगी हुई है। अब कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस्ड कर दिया है तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी हमारे पास में पोलर या नॉन पोलर कोई भी हम स्लैब रख दें, मॉलिक्यूल्स रख दें या इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स रख दें तो उसके इनसाइड में पॉजिटिव सरफेस की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव सरफेस की तरफ पॉजिटिव चार्ज। बट चाहे सरफेस चार्ज हमारे पास जो इसके इनसाइड में जो चार्ज चाहे वो अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाए, लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो। तो वही चीज़ हमने बात कर ली। तो इसका जो थिकनेस थी टी, ये तो हमारे पास कंप्लीट, इसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुका है तो यहाँ तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस निकलने की कोई संभावना नहीं रही। अब टोटल थिकनेस प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस सेपरेशन दिया गया था वो है डी। अब टी हमारे पास कैंसिल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका तो कोई पोटेंशियल आना ही नहीं है, बच क्या गया डी में से टी माइनस कर दो तो ये हमारे पास पोटेंशियल, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस होता है तो पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी अप्लाई की थी आपने, ई नॉट, और डिस्टेंस बच क्या गई क्योंकि टी इस थिकनेस पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुकी है तो अभी तो हमें ये लेना ही नहीं है, बच क्या गया टोटल डी है तो डी में से टी माइनस कर दो तो क्या बच गया डिस्टेंस डी माइनस टी। बचा पार्टी वी एज इट इज है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो पैरेलल प्लेट के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, बच क्या गया हमारे पास डी माइनस टी बच गया है तो बच्चा पार्टी हमने v इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी माइनस टी लिया। अब सिग्मा बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया के बराबर, अब इनटू में एप्सिलॉन डी माइनस टी, तो कैपेसिटेंस जो कैपेसिटी होती है वो c इक्वल टू q अपॉन v होता है तो q को तो एज इट इज ले लिया और v की वैल्यू होती है q डी माइनस टी, ऊपर वाला सरफेस ये ले लिया है और एप्सिलॉन नॉट ये कहाँ चला गया ऊपर चला गया, q से q कैंसिल हो गया तो c इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए है, इसमें से मैंने d कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 माइनस टी अपॉन डी बच गया है, 1 माइनस टी अपॉन डी बच गया तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास में कि c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये वाला जो कंसेप्ट है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हमारे पास कैपेसिटेंस सी नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी के बराबर, बच के आ गया नीचे 1 माइनस टी अपॉन डी। अब सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इस इक्वल टू आ गया सी नॉट के इनटू बच गया 1 माइनस टी अपॉन डी तो दैट इज सी इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस। अब उसने कहा है कि अगर मैं थिकनेस को डिस्टेंस डी के बराबर रख दूं, जो कंडक्टिंग स्लैब थी उसकी जो थिकनेस टी थी अगर मैं उसे कंप्लीट डी कर देता हूं तो कैपेसिटेंस अगर हम डी पुट कर देंगे तो डी अपॉन डी ये आ जाएगा हमारे पास में जीरो और जीरो डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, इसका मतलब कैपेसिटी आपके पास कितनी आएगी उस समय इनफाइनाइट आएगी। तो बच्चा पार्टी आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं पुट करना है हमें, अब हमें पुट करना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस नहीं करना है क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब का टॉपिक हमारे पास हो चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो बचा पार्टी, आपको पता है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अगर एयर में दोनों प्लेट्स को रख दिया जाए तो उस समय कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और अगर मैं मीडियम की बात करूं तो वो कितना लग जाएगा हमारे पास, के लग जाएगा। क्या लग जाएगा? के। बच्चे पार्टी, हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस्ड कर दिया है, जैसे टोटल डिस्टेंस डी है, इसकी थिकनेस टी है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर बताया गया था, मैंने पहले बताया था कि उसमें अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, तो अंदर भी एक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्टार्ट हो जाता है। देखिए आप, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अंदर भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर प्रॉपर्टी है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। ये पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये एरो दिखाई रखी है ऊपर की तरफ, जो नीचे की तरफ आ रही है ये एरो, ये ई नॉट है, और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है वो क्या है, ई पी। तो इसका थिकनेस जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थी वो कितनी थी, टी। तो इसका मतलब रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है हमारे पास ई इक्वल टू ई नॉट माइनस में ई पी के बराबर आया है। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ कि सी नॉट कैपेसिटेंस फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इस वाली डिस्टेंस में तो है ही है जो हमने पहले किया था, ये वाली जो डिस्टेंस है, लेकिन अब इसके अंदर भी है, और इसके अंदर जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, ई। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पहले मैं इस सरफेस की बात कर लेता हूँ, तो वी इक्वल टू पोटेंशियल बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी वो क्या लगी, ई नॉट, और डिस्टेंस टोटल डी है, ये टी है, तो कितना हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारे पास, बच्चा पार्टी फिर ध्यान से सुन लीजिए, ये हमारे पास डिस्टेंस डी है, ये टी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ई नॉट, और डिस्टेंस कितनी बच गई, टोटल डी है, ये टी है, तो ये कितना बच गया, डी माइनस टी प्लस। लेकिन बच्चा पार्टी, अभी इसके अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, क्योंकि रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ई, और थिकनेस कितनी दे रखी है, टी। लेकिन आपको याद होगा मैंने डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में पढ़ाया था कि ई नॉट अपॉन ई के बराबर होता है, ई नॉट अपॉन ई, अगर मैं ई को इधर ले जाऊं तो ई नॉट अपॉन के बराबर आ जाएगा। ये देखिए, अगर मैं ई को इधर ले गया तो ई नॉट अपॉन के आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस था ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई की जगह आ गया ई नॉट अपॉन के इंटू के आ गया टी, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आपको पता है कि E नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया के बराबर। तो बचा पार्टी, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया E नॉट की जगह आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई के। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब C इक्वल टू होगा Q अपॉन V, Q की वैल्यू एज इट इज रख दो और V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दो, Q से Q कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के बच गया। तो बच्चा पार्टी, आप इसे इस तरह से करने की बजाय आप इसे इस तरह कर सकते हो, क्योंकि मैं जो सी नॉट लेकर आना है तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए एज इट इज है। अब इस पूरे कंसेप्ट में से मैंने डी कॉमन ले लिया, डी जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, वन टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन के डी बच गया है। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये वाला जो कंसेप्ट है ये किसके बराबर था, सी नॉट के अपॉन में क्या बच गया, वन माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन के डी। क्लियरली आप देख रहे हो कि जो कैपेसिटी, ये वाली जो कैपेसिटी है वो ग्रेटर देन है कहीं ना कहीं किससे, उस सी नॉट से। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस इन, कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के रखने से हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इनक्रीज। ये एक नंबर का क्वेश्चन है कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रख दूं तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, मैंने इसमें कहा कि जब मैं वेन टी इक्वल टू डी, अगर मैं टी की जगह डी पुट कर देता हूं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब मैं रखता हूं और टी की जगह अगर मैं डी पुट कर दूं तो उस समय कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो इसके लिए मैंने बच्चा पार्टी अलग से किया हुआ है। तो देखिए हमारे पास ये हो गया कि C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए था, डी माइनस, यहाँ से हमने ये निकाल लिया सी नॉट वन माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन
के डी, ये वाला कंसेप्ट था। अब उसने कहा है कि टी की जगह अगर मैं डी पुट कर देता हूँ तो पुट करिए सी नोट वन माइनस डी बाई डी प्लस डी अपॉन के डी। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो बच्चा पार्टी आ गया हमारे पास वन अपॉन के बराबर, किसके बराबर आ चुका है, वन अपॉन के इक्वल आ गया। जब मैंने वन अपॉन के इक्वल पुट किया तो एप्साइल नोट ए अपॉन तो किसके बराबर था, एप्साइल नोट ए अपॉन डी सी नोट के बराबर था, तो के डी के अपॉन डी आ गया। तो हमारे पास एप्साइल नोट ए अपॉन डी ये तो बच रहा है जो किसके बराबर था, सी नोट के बराबर था, तो सी बराबर आ गया के सी नोट के बराबर, सी बराबर किसके आ गया के सी नोट के बराबर। मैं फिर बच्चा पार्टी ध्यान से देख लीजिए कि ये वाला जो कंसेप्ट था वो वन अपॉन के इक्वल आ चुका है। जब मैंने इसे प्लेस्ड किया है सॉल्व किया इसे, वन अपॉन के आ गया, के ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर सी नॉट के, तो आ गया के सी नॉट के। ऐसे ही मैंने जब टी को डी बाई टू पुट किया तो बच्चा पार्टी ये देख लीजिए टी की जगह जब मैंने डी बाई टू पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है टू के सी नॉट अपॉन के प्लस वन, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कैपेसिटेंस 2 के सी नॉट अपॉन में के प्लस वन। ये कंसेप्ट देख लीजिए, ऐसे ही आपको बच्चा पार्टी टी की जगह 2d/3 पुट करना है तो उस समय रिजल्ट ये आएगा। और इसके बेसिस पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी अराइज किया है, ये देख लीजिए बच्चा पार्टी हमारी पास ये जो यूनिट है वो क्लियर हो चुकी है। अब इसी के बेस पर मैंने 5 न्यूमेरिकल्स तैयार किए हैं असाइनमेंट के व्याप पर, ये देख लीजिए आप लोग ओनली 5 न्यूमेरिकल्स हैं बच्चा पार्टी। कल आप ये यूनिट जो फर्स्ट हो चुकी है क्लियर हो चुकी है, अब हम जो आगे क्लियर कराएंगे यूनिट फर्स्ट कल होमवर्क नहीं आएगा, सिर्फ ओनली क्या आएगा आपके पास, यानी कि रिटर्न वर्क जो हमारे पास होगा सिर्फ असाइनमेंट होंगे जो कि 1 मार्क्स होंगे, IIT PMT से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ओनली ऑन यूनिट फर्स्ट से, कंप्लीट चैप्टर से आने वाले हैं, ये देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।